हाफिज सामान मुझे सबसे पहले ये बताइए, स्पेन की जो टीम है वो टोटल फुटबॉल खेलने में विश्वास रखती है, एक बात, और दूसरी बात यह है कि वो बड़े छोटे छोटे और बड़े स्ट्रैटेजिक पासेस बनाते हैं, तो ऐसे में जो फुटबॉल प्रेमी है दिल्ली के, उन्हें क्या लगता है नीदरलैंड के लिए कितना मुश्किल आज का फाइनल होने जा रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, स्पेन की टीम की खासियत यह है तेज और छोटे पासेस देते हैं, बॉल पर ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना कब्जा बरकरार रखते हैं, और शायद इसी वजह से जर्मनी को जो है वो काफी दिक्कत हुई थी। ऐसी ही दिक्कत का सामना नीदरलैंड को भी करना होगा, लेकिन नीदरलैंड के बारे में कई लोगों का ये कहना है कि नीदरलैंड की जो मिडफील्ड स्ट्रैटेजी होती है, रचनात्मक स्ट्रैटेजी जो होती है उनकी मिडफील्ड में, वो कमाल की होती है। तो दोनों ही तरफ से मुकाबला जो है वो काटे का है। नीदरलैंड दो बार फाइनल में पहुंच चुकी है वर्ल्ड कप के और उसके बाद हारी है, इसकी पूरी कोशिश नीदरलैंड की यही रहेगी कि कहीं ना कहीं वो हैट्रिक ना बुला ले वर्ल्ड कप फाइनल में आके हारने का। फिर भी जीत का प्रेशर इन दोनों के ऊपर बरकरार न रहे, इसलिए इनके कोचेज ने साफ तौर पर इनसे ये कहा हुआ है कि आप सबको, जैसा कि आपने डायलॉग पहले कहा था, यहां मौजूद हम बात करेंगे मौजूद फुटबॉल प्रेमियों से, खास जरा बात करें और उनसे ये पूछने की कोशिश करें कि विला में, श्नाइडर में किस पर असल में दिल्ली दांव लगाती है। जी यही सबसे बड़ा सवाल है, डेविड विला या फिर श्नाइडर, ऑक्टोपस या फिर तोता, एक स्पेन की बात करता है, एक नीदरलैंड की बात करता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे इस वक्त आप देख सकते हैं, उससे पहले लोगों से बात करने से पहले राशिद, मैं आपको बताऊंगा किस कदर राजधानी रंगी हुई है फुटबॉल के रंग में। आप देखिए फुटबॉल और नेट इस रेस्टोरेंट के अंदर एक साथ फूड एंटरटेनमेंट और फुटबॉल का पूरा रंग इस वक्त जमा हुआ है, और इसके अलावा यहां मौजूद लोग लगातार भीड़ जमती चली जा रही है। हालांकि 12 बजे फाइनल जो है वो शुरू होगा, लेकिन फिर भी उससे पहले जो रंग है वो बरकरार है, लोग लगातार जमा हो रहे हैं, और उनका प्लान है कि वो यहां से रात में 1-1.5 बजे ही जाएंगे जब ये पूरा वर्ल्ड कप फाइनल का नतीजा जो है ये देख लेंगे। हमारे पास इस वक्त आइए सीधा चलते हैं कपल है, और यहां तक कि सिर्फ आप दीवारों पर नहीं, रेस्टोरेंट की दीवारों पर नहीं, बल्कि साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि यहां आए लोगों के दिलों में भी फुटबॉल जो है वो बरकरार है। आप देखिए एक साहब है यहां पर, उन्होंने वेस्ट जर्मनी का जो है तमखा लगा रखा है, फुटबॉल इनके दिल में समा रहा है, ये फुटबॉल प्रेमी लगते हैं। आइए इनसे जानते हैं, स्नाइडर या फिर डेविड विला, स्पेन या फिर नीदरलैंड, क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स स्पेन। क्यों, क्या लगता है आप? आई थिंक द ऑक्टोपस सैट ऑन स्पेन टुडे, राइट? इसके अलावा आप फुटबॉल देखती होंगी सिर्फ ऑक्टोपस के कहने पर? आप बताइए। पैशनेट अबाउट द गेम एंड दे आर गोइंग टू विन द फाइनल, आई गो विद स्पेन। तो ये तो खैर स्पेन की बात कर रहे हैं, हालांकि वेस्ट जर्मनी का तमका लगा हुआ है, फुटबॉल इनके आपने देखा सीने में जो है वो छपा हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ और हमारे साथ नौजवान है, आइए इनसे भी जानना चाहेंगे हम कि क्या है इनके दिल में, क्या लगता है इनको, स्पेन या फिर नीदरलैंड? व्हाट डू यू से, स्पेन और नीदरलैंड? स्पेन। स्पेन क्यों? दैट इज माई इंट्यूशन, दैट इज माई इंट्यूशन। सो आपका क्या कहना है? आई गेस स्पेन, बिकॉज लेकिन हफीज स्पेन विंटर, सो आई थिंक स्पेन के पक्ष में, हफीज स्पेन के पक्ष में कई लोग जा जरूर रहे हैं, लेकिन स्पेन के कुल गोलों की संख्या सिर्फ 7 है, एक बात। दूसरी बात यह कि इन 7 में से 5 गोल पेनाल्टी बॉक्स में जाकर के बनाए गए, यह है दूसरी बात। और तीसरी बात यह है, स्पेन का एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो निशाना लेकर के सीधे गोल साधे, और अगर इनके विला को छोड़ दिया जाए तो एक ताकत तुरुप का इक्का एस फिगर कोई नजर नहीं आता।